चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर सद्गुरु रितेश्वर महाराज की रैली इस वक्त हो रही है। और जयपुर में सद्गुरु रितेश्वर महाराज की इस रैली में आप देख सकते हैं मतदाता जागरण मुद्दा, जिसे लेकर रितेश्वर महाराज ये रैली निकाल रहे हैं। कर रहे हैं सद्गुरु रितेश्वर महाराज मतदाता जागरण को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। सद्गुरु रितेश्वर की रैली शिव हनुमान मंदिर कांटा से शुरू हुई, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में रैली का समापन होने वाला है। श्री आनंदम धाम पीठ वृंदावन मतदाता जागरण की ओर से ये रैली की जा रही है, जिसमें संत रितेश्वर महाराज इस रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। सुनील यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, रितेश्वर महाराज लगातार मतदाता की जागरूकता पर कह चुके हैं कि मतदाता अपने मत से भविष्य देश का गढ़ता है, और इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने मत का प्रयोग किसके लिए करना है ये सोच समझकर किया जाए और मत का प्रयोग जरूर करें, और इसीलिए रैली निकाली जा रही है। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि आज जो स्वामी रितेश्वर जी महाराज हैं, ये सतगुरु हैं वृंदावन के, ये जयपुर प्रवास पर हैं और आज लगभग 27 जगह पर मतदाता जागरूकता रैली निकालेंगे। जयपुर शहर की अलग अलग जगहों पर जो 27 जगह होंगी, वहां पर जो मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि किस तरह से जो देश के विकास में, देश को अग्रणी बनाने में, देश को नंबर वन बनाने में और देश के तमाम जो विकास के ढांचे को सुधारने में वोट बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जब सरकार बनती है तो वोट के जरिए बनती है और वोट जनता देती है, तो ऐसे में जनता को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अपनी भागीदारी सुनिश्चित होती है तभी हम किसी चीज को का विकास कर सकते हैं, किसी देश का विकास कर सकते हैं। और यही जागरूकता बताने के लिए जो सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी जयपुर आए हैं और लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज की जो सुबह की जो ये मतदाता जागरूकता रैली है, ये जो कांटा से शुरू हुई थी और शाम को मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इसका समापन होगा। इस दौरान 27 जगहों पर जो 27 स्थानों पर रोकी जाएगी रैली और वहां पर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और पंपलेट भी बांट रहे हैं। अभी लगभग 10 स्थानों पर स्वामी रितेश्वर महाराज पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में मतदाता जो लोग हैं, आम जनता भी इनके काफिले के साथ जुड़ रही है और लगातार जो मतदान में भागीदारी है उसमें एक जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो दिखा रही है। और कहीं ना कहीं जो रितेश्वर महाराज यही चाहते हैं कि जब लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो इसमें मतदाता की भागीदारी बेहद जरूरी है, तो मतदाता जितने ज्यादा होंगे उतना ही सशक्त लोकतंत्र यहाँ पर बनेगा। जी जी बिल्कुल, कई सामाजिक मुद्दों पर रितेश्वर महाराज चाहे जब अपना प्रवचन देते हैं तब भी बहुत सारी प्रमुख बातें कहते हैं, तो एक तरफ धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना, वहीं दूसरी तरफ देश के लिए, देश सेवा में क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए भी रितेश्वर महाराज हमेशा से अपनी बात रखते हैं। और सद्गुरु रितेश्वर महाराज लगातार इलेक्शन के समय में हर किसी से यही अपील कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और एक और बात जो रितेश्वर महाराज ने कही थी कि कई बार होता है कि हम अपने मत का प्रयोग करते हैं तो हमें महसूस होता है कि शायद हमने किसी नेता को मत देकर गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके पास दोबारा मौका हर 5 साल में आता है, तो सोच समझ के अपने मत का प्रयोग आप सभी को करना चाहिए, इस तरीके का संदेश महाराज दे रहे हैं। जी